हेलो, तरंग न्यूज आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, आप देख न्यूज इस टाइम पर मैं खड़ा हूं सीधी जिले के सुनांचल बस स्टैंड। आप देख रहे हैं, वक्त हो चुके हैं 9:10 और इस 9 पुलिस सहायता केंद्र सीधी में खड़ा हूं की चौकी। अगर कोई यहां पर वारदात हो जाती है करने आएंगे बस स्टैंड। की तरफ आपको जहां पर हम देखेंगे कि पुलिस सहायता यहां पर जो है तो पुलिस कैसे हो रही। पहले बात तो हम ये दिखाना चाहें कि सिर्फ तो लगा हुआ है कि पुलिस सहायता केंद्र बस स्टैंड सीधी, और मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है, और साथ में एमपी पुलिस का ये स्टॉपर लगा हुआ है। 3 गाड़ियां खड़ी हैं जो पुलिस वालों की ही है, जहां इसमें आगे है लिखा हुआ है कि पुलिस की गाड़ी। लेकिन अब ये सहायता कैसे हो रही है वो भी दिखाएंगे। ये है आपका चौकी जो यहां के एसपी महोदय देख रहे हैं कि ये ताला लगा हुआ है। यहां पे गौर से देखिएगा कि ये ताला लगा हुआ है। इस तरीके से पुलिस जो है सीधी जिले में सक्रिय है, और ये पुलिस की व्यवस्था है जो आम जन की सेवा पुलिस कर रही है। इस तरीके से पुलिस सेवा करती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो सीधी जिले के जो कैमरा लगे हुए हैं, हर चौक पे जो कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा यहाँ दिखता है, यहाँ लोग देखते हैं, यहाँ पर पुलिस देखती है कि कैसी कहाँ पर कोई वारदात या घटना घट रही है। सीधी जिले में आज 12 दुकानें जलकर खाक हो गई, 12 दुकानों में आग लग गई, और आग लगने का वीडियो यहाँ कहूँ कि लाइव देख सकते थे सिर्फ यहाँ से। और यहाँ पर पुलिस ही नहीं, तो बताइए कि कैसे हम कहेंगे कि जब आग लग रही थी उस टाइम पर कोई यहाँ देखने वाला था भी या नहीं। क्योंकि जब बताइए सुबह यहाँ पर ताला लटका हुआ, तो रात में क्या यहाँ पर ये ताला लगा रहा होगा या नहीं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस पर वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा भी सवाल जब उठाया गया, तो अंजुलता पटले, यानी कि बात करूं कि एडिशनल एसपी के द्वारा ये बयान जारी किया गया था कि हमारे पास पुलिस स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ताला बंद रहता है, लेकिन हम पुलिस को गश्त करवा रहे हैं। जो यहाँ पर बैठी रहा करती थी पुलिस, वो गश्त कर रही, लेकिन गश्त कैसे कर रही है पुलिस, ये बात का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक तरफ ताला बंद है तो यहाँ पर दूसरी जो कि गश्त मार रही है, तो गश्त ऐसे मार रही कि घंटों तक आग भीषण लगी और दुकानें जलकर खाक हो गई, लेकिन पुलिस का कहीं ठिकाना नहीं मिला। जब पुलिस को किसी व्यक्ति के द्वारा जब सूचित किया गया, तब फायर ब्रिगेड पहुंचती है लगभग घंटों बाद, जिसकी वजह से दुकानें जलती रहीं और जल कर खाक हो गई। अब वहीं देखा यह जा रहा है, गरीब जो आमजन जो व्यापारी थे वहां पर भी साथ खाना के, वो रोड के किनारे जो धंधा कर रहे थे, जो दुकानों पर बैठे हुए लोग थे, वो जलकर जब दुकान खाक हो गई, तो आज उनका दर्द छलक रहा है। वो आज शिकायत कर रहे हैं कि किस तरीके से दुकान हमारी जली और पुलिस व्यवस्था देखी जा रही है। तो अब आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस प्रशासन सीधी जिले की कितनी सक्रिय है और क्या कर रही है। कहीं ना कहीं जो आग लगी वो शॉर्ट सर्किट के वजह से नहीं लगी, बल्कि दुकानों में आग लगाई गई। किसके द्वारा दुकान में आग लगाई गई, इस बात से अभी भी लोग जो है अज्ञात हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से दुकानें जो है जलकर खाक हो चुकी हैं, और ये पुलिस कंट्रोल रूम है, पुलिस जहां पर मौजूद ही नहीं है, चौकी बना दिया गया है, एक बस स्टैंड के चौकी पर पुलिस ताला मारकर गायब है। कहां गई पुलिस यहां की, ये भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि पुलिस यहां पर है ही नहीं। पुलिस चौकी में ताला लटका हुआ है और पुलिस यहां से गायब हो चुकी है। तो कहां है आखिर में वो पुलिस, ना गश्त मार रही और ना ही पुलिस यहां पर चौकी में मौजूद है, और ना ही सीसीटीवी पर ये देख सकते हैं कि आखिर में कहां पर क्या वारदात घट रही। तो हमारी जो स्थिति है कितना सुरक्षित है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। सिर्फ ये बोर्ड लगा हुआ है इस रीजन से कि लोग यहां पर पुलिस का एक बोर्ड देख सकें, बाकी का कार्य जो चल रहा है आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था पुलिस की देखी जा रही। लगातार जुड़े रहे तरंग 24 न्यूज़ से, और भी बड़ी खबरों के साथ रूबरू करवाता हूं आपको, जहां ये देखने को मिलेगा कि प्रशासन आखिर में सीधी जिले में कितना सक्रिय है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।